नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साथ जो भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं सरकारी नौकरी विद राहुल नेगी में आपका सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक छोटा परिवार था शिखर परिवार, साथ साथ मेरे साथ जो भी ऑनलाइन का मेरा परिवार था, बड़ा मज़ा आ रहा कल से। कल रात से जब से पटवारी का रिजल्ट आया ना, दिल में एक अजीब सी खुशी है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन देखा है। कई लोग थे जो बहुत टाइम से परेशान हुआ करते थे, इस बार मज़ा आ गया रिजल्ट देके। बहुत से दोस्तों की सारी टेंशनें दूर हो गया। सबसे पहले बात धन्यवाद दूंगा मैं पंकज चंद का। पंकज चंद उधम सिंह नगर से टॉपर बने हैं, साथ साथ जो आपके ओवरऑल उत्तराखंड 001 रैंक जो हासिल किया है वो रहे आपके शिखर एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं पंकज चंद। पंकज चंद का फाउंडेशन कोर्स शिखर से ही चलाता, साथ साथ पंकज चंद 9 बजे वाले प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी लोग जानते हैं, कोचिंग वाले सभी लोग जानते हैं पंकज चंद को। कई बार सैटरडे को आपको टॉपर भी आए थे, क्लास में भी आप टॉपर रहे थे। एक मैच्योर जिसे कहते हैं, कभी भी क्लास में आना, चुपचाप अपना बैठ जाना, अच्छा सीख देगा आप शिखर एकेडमी को कहे पंकज चंद। धन्यवाद कहूँगा पंकज चंद को, आपने शिखर एकेडमी का नाम रखा, शिखर एकेडमी का जो आपने लोहा मनाया है, पूरे उत्तराखंड में ऑल वन रैंक आना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, ठीक है। साथ साथ मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, हमारे साथ चंपावत डिस्ट्रिक्ट से सुनील बुराड़ी जी थे। सुनील बुराड़ी जी भी चंपावत से टॉपर बने हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथ साथ आपने देखा रुद्रप्रयाग से हमारे राकेश नेगी जी से, राकेश नेगी भी टॉपर बने हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साथ साथ हमारे देहरादून से आकाश गोनियाल जी थे, उन्होंने भी देहरादून टॉप मारा डिस्ट्रिक्ट, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। साथ साथ शुभम चमोली जी थे, थोड़ा चूक गए उत्तरकाशी से, हमारे ऑनलाइन में शुभम चमोली जी बने हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी सेकंड रैंक मारा है, शिखर एकेडमी का नाम आपने ऊपर रखा है, ठीक है। अक्सर डिस्ट्रिक्टों में मैंने देखा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्टों में मेरे साथ जो भी मेरे ऑनलाइन के छात्र हैं या ऑफलाइन के जो छात्र हैं, मैक्सिमम छात्र वही हैं। कम से कम 100% प्लस जो पटवारी में सिलेक्शन है वो शिखर एकेडमी के हैं। आप पूरे उत्तराखंड में देखना तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन भी आपको शिखर एकेडमी के ही दिखेंगे। तो सभी लोगों का, आपका परिवार है, हमारा परिवार है, शिखर परिवार है, जो भी अच्छा लग रहा है, आप लोग कोचिंगों में आ रहे, मिठाई लेकर जो भी आ रहे हैं, सबका धन्यवाद, ठीक है। उम्मीद रहेगी आप भी लगातार ऐसा ही स्कोर देंगे, आने वाला वीडियो में भी फिर से हम अच्छा करेंगे। वीडियो में इस बार देखना तो 1000-1200 लोग मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े हैं और 400-500 लोग ऑफलाइन में जुड़े हैं, टोटल 1500 लोग हैं। 250-300 का मैं लगभग लक्ष्य मान के चल रहा हूँ कि सिलेक्शन आ जाएंगे इतने में से, क्योंकि सारा पढ़ने वाला बच्चा, कंपटीशन सारा मेरे पे है, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। आज जो मैं करंट अफेयर लेकर आया था आपके लिए, जो करंट थी करंट, आज मैंने 100 नंबर की करंट लाने के लिए कहा था कि मैं आप लोगों के लिए 100 नंबर की करंट लेकर आऊँगा। जो भी लोग, जिन लोगों का भी नाम नहीं आया, उन लोगों के लिए इतना ही कहूँगा, परेशान मत होना भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता ना कि हार मत मानना, धैर्य रखना। कभी कभी क्या होता, बड़े काम करने के लिए ना थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता, और बड़ा काम इस टाइम लेवल से है 4200 है। हो सकता पटवारी आपसे ना हुआ हो, लेकिन समय आपसे कुछ और मांग कर रहा हो। पहले मेरे से भी लेवल 2 के एक एग्ज़ाम नहीं निकले थे, लेकिन समय की कुछ और डिमांड थी, लेवल 5 मिला। ऐसे आपके किस्मत में भी हो सकता है कि आपसे समय कुछ और मांग रहा हो, लेवल 6 मांग रहा हो। तो सब्र रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल का सब्र रखिएगा, परसों का वो दिन है, हो सकता है आपके लिए ये साल बहुत ज़बरदस्त होगा, ठीक है। सबको शुभकामनाएँ, सारे अच्छे मारे आ जाएगा। करंट की बात करता हूँ, करंट का 100 नंबर का मैंने पेपर कराना था। पहला क्वेश्चन देखना आप पे क्या कह रहा है, किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अभी हाल ही में देखना तो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद में एक केदार बनता है, तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। तुंगनाथ को अभी हाल ही में क्या कर रखा है, राष्ट्रीय स्मारक अभी घोषित किया गया। इससे पहले आपने देखा था 3 जगहों को और राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था, ठीक है। अभी तुंगनाथ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इससे पहले आपने देखा था जो आपका पिथौरागढ़ में है आपका मंदिर, कोठिली का विष्णु मंदिर, साथ साथ आपने ऋषिकेश का वीरभद्र और क्या देहरादून का जगत ग्राम। इससे पहले 2019 में आपने 3 चीज़ों का रिसर्व किया था, इस बार आपने तुंगनाथ को किया। तुंगनाथ सबसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, साथ साथ आप देखोगे तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, चंद्रशिला पर्वत की तलहटी पर आपका तुंगनाथ बसा। 5 केदारों में से आपका तुंगनाथ पे आपका 3रा केदार आता है, ठीक। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है,
परिवहन विभाग से संबंधित ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम का शुभारंभ कब किया गया? अभी देखना उत्तराखंड, हाल ही में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने आपने ऑटोमेटिक क्या कर रखा है, नंबर प्लेट में रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। इसकी शुरुआत जो उत्तराखंड सरकार ने की थी, ये की थी आपकी 9 मई, इन लोगों का भी ऑप्शन ए आ रहा है आपका, बिल्कुल सही है, 9 मई 2023 से ये शुरुआत की थी। कभी आता उत्तराखंड परिवहन निगम, तो आप याद रखोगे यूटीसी आपका 2003 का, पथिक नामक सेवाएं दे रहा, अभी पथिक नामक इनका विंडो है, ठीक है, यूटीसी का। यूटीसी से आएंगे तो अभी हाल ही में आपके कितने 23 नेशनल राजमार्ग हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस अभी कनेक्टिविटी से आपकी जुड़ी है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो तो पहला आपका यूए नंबर से होता था, 2007 से आपका क्या यूके नंबर से, 1 नवंबर 2007 से आप UK01 से यूके नंबर से आपका नंबर सीरीज चला रहे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, उत्तराखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? अभी देखना उत्तराखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात चली, उत्तराखंड में जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट आया था ये 2013 का था, ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। अभी आपने देखा उत्तराखंड में प्लास्टिक से डीजल बनाने का षड्यंत्र लगा, पहला IIP मोखनपुर में लगा था, वो क्या था उत्तराखंड का पहला षड्यंत्र था, यहाँ पे क्या प्लास्टिक से आप क्या बना रहे थे, डीजल बना रहे थे। बढ़िएगा फटक से अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ था? 2023 में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन यानी होमोकॉन के नाम से शुरू किया था, और ये सम्मेलन आपका हुआ था दून विश्वविद्यालय, देहरादून में पड़ता आपका दून विश्वविद्यालय, 2005 का आपका दून विश्वविद्यालय स्थापित है, इसी दून विश्वविद्यालय में आपका किसका सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय होमोकॉन 2003 का हुआ। शेरवुड स्कूल नैनीताल का 1869 का आपका शेरवुड है, IIM काशीपुर, IIM उत्तराखंड में एक ही जगह काशीपुर का, 2011 में आपका काशीपुर में IIM स्थापित हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा, एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार कितनी प्रतिशत सब्सिडी देगी? पहले राज्य सरकार 50% की सब्सिडी दी थी, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि जो अब एकल महिलाओं को जो सब्सिडी दी जाएगी वो 75% दी जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक सब्सिडी वाली आप योजना देखा और बड़ी चर्चाओं में वो आपकी योजना है, वो है वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना, 1 जून 2002 की आपकी वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना है, ये बड़ी चर्चाओं में, दो ही योजनाओं आपकी चर्चाओं में, एक नंदा गौरा योजना 1 जनवरी 2018 की, हो सकता है कि वो आप पे आ जाए, या आप वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना होगी, वो दो ही योजना उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, शायद इन दोनों से क्वेश्चन बनने के आप पे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पेच रिपोर्टिंग ऐप का संबंध किससे? अभी उत्तराखंड सरकार ने एक ऐप बनाया पेच, पेच वो होता जैसा आपने रोड का गड्ढा देखा, रोड के गड्ढे पे आपका कहीं पर आता है ना मशीन आती है थोड़ा सा गड्ढा ही गड्ढा भरती, तो उसे पेच कहते हैं, और वो वैसे ही एक ऐप बनाया आपका पेच, पेच जो होता है गड्ढा युक्त रोड की शिकायत करने के लिए, अभी मुख्यमंत्री ने जो चलाया है पेच मोबाइल ऐप चलाया, ये उत्तराखंड में चला, ऑप्शन 6 का बी जिन लोगों का ने भी आंसर दिया आप लोग का बिल्कुल सही था। फटक से अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे, देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ था? अभी देखना नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देखा था देहरादून से दिल्ली के बीच अभी क्या आपका वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई, ठीक है, जो डेट चली थी सीधा सीधा याद रखना 25 मई 2023 को चली थी, इसी के 3 दिन बाद 28 मई को आपको पता है नया संसद भवन आपका क्या बन के तैयार हुआ। वैसे देखना ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, तो आप देखोगे देहरादून रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आनंद विहार तक ये आपकी ट्रेन जाती है, कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से चलती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान में किया गया? अभी हाल ही में उत्तराखंड में अन्न महोत्सव हुआ ये देहरादून में भी कोई पर्टिकुलर जगह आएगी तो हाथी बड़कला देहरादून में अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक क्या कराया गया था अन्न महोत्सव किया गया था, जिसमें राज्य क्षेत्र से विभिन्न गाँवों से क्या विभिन्न अनाज मंगाया गया था आपके मोटा अनाज वगैरह, तो अन्नों की क्या एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, अन्न महोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कहता 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? आपके करंट अफेयर में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दो कोरोना के काल के बाद अभी लेटेस्ट हुआ है, पहले मॉरिशस में होना था लेकिन इसे शिफ्ट करके नाड़ी कहाँ पे फिजी की राजधानी पर थी नाड़ी में इसे ट्रांसफर किया गया, 12वां हिंदी सम्मेलन था, ठीक है। पहला आएगा तो पहला आपका भारत में था, दूसरा आपका मॉरिशस में था, वैसे क्रम में चलता है, तो 12वां आपका कहाँ पे फिजी की राजधानी नाड़ी के आसपास आपका क्या हुआ था सम्मेलन था, एस जयशंकर प्रसाद यहाँ पे गए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला ना, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में देखना तो 22वें विधि आयोग के
विधि आयोग बन गया आपका नया 22वां, तो विधि आयोग के जो अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं वो बने ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मारा, ऋतुराज अवस्थी आपका बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन बी एस चौहान दिख रहा तो ये 21वें क्या विधि आयोग के अध्यक्ष थे आपके बी एस चौहान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीधा सीधा देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे, विश्व भूख सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रखा था, भुखमरी सूचकांक में आपको पता है भारत को रैंक क्या दिया गया था, 107वां रैंक दिया था। ये भुखमरी सूचकांक आपका बड़े चर्चाओं में था क्योंकि हम इस सूचकांक में अमेरिका तो छोड़े, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश या श्रीलंका इन सब से नीचे थे, ये देश में हमसे ऊपर थे, इसमें भारत की थोड़ा क्रिटिसाइज हुई थी। आप इसलिए इसे याद रखोगे कि भुखमरी सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा है वो 107वां रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस महान भारतीय अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि मुझे पता है आपका पैटर्न करंट का जो पैटर्न रहेगा उतना लेटेस्ट तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत 21 का भी आएगा, 22 का भी आएगा, 23 का भी आएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन कुछ मिक्सअप में बनाया, कुछ 21 के इंपॉर्टेंट डाले, 22 के इंपॉर्टेंट डाले, कुछ 23 के इंपॉर्टेंट डाले। तो अभी देखना, तो आपका 2022 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था आपका आशा पारेख को। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कहता, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अभी हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मोदी साहब ने कहा है कि हम नया खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, और जो नया खेल विश्वविद्यालय आपका बनने जा रहा है वो खेल विश्वविद्यालय आपका मेरठ यानी यूपी में आपका स्थापित होगा। इसके साथ साथ आपने देखा नरेंद्र मोदी ने अभी एक घोषणा की है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करते थे, अब राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम भी बदल के आपका क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इन्हें जाना जाएगा। ये दो बातें आप लोग याद रखोगे। ठीक, क्वेश्चन अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने। आपको पता है भारत के 14वें जो उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने आपके जयदीप धनखड़ बने, सॉरी जगदीप धनखड़ आपके क्या बने, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने आपके। ठीक है, और राष्ट्रपति आएगी थे द्रौपदी मुर्मू बनी, अभी द्रौपदी मुर्मू आए किस जनजाति से थी तो आप वहाँ पे याद रखोगे संथाल ट्राइब से आपकी द्रौपदी मुर्मू संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हर घर जल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना। अभी देखना 2022 में थोड़ा चर्चाओं में ज़्यादा था कि गोवा राज्य ने क्या कर लिया कि हर घर में क्या जल प्राप्त करने का सर्टिफिकेट बना ले। इसके साथ साथ गोवा ही पहला ऐसा राज्य बना है जिसने अपना आपको क्या खुद को रेबीज मुक्त राज्य घोषित करने वाला राज्य भी कौन बना है, गोवा ही बना है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। अभी एक गुजराती फिल्म थी छल्ला रे को आपने क्या देखा था, ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। अभी ऑस्कर पुरस्कार मिले दो चीज़ों के लिए, आप एक ओरिजिनल सॉन्ग में मिला नाटो 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 को, ठीक है वो चीज़ आप याद रखोगे, और दूसरा किसके लिए, द एलिफेंट विस्पर के लिए मिला था। ठीक है, दो चीज़ों के लिए भारत में क्या ऑस्कर प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की, क्योंकि आपको पता शहीद भगत सिंह आपके पंजाब वाले क्षेत्र से आते थे, खासतौर पर अमृतसर वाले क्षेत्र से आते थे, और जो उनके नाम पर जो हवाई अड्डा रखा गया वो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या रखा गया, शहीद आजम भगत सिंह हवाई अड्डा के नाम से इसे अब जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिन लोगों ने मारा आपका सबका सही है। क्वेश्चन अगला आना, क्वेश्चन क्या कह रहा, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए दिए जाने वाले आरक्षण पर किस संविधान संशोधन के तहत वैधता की मुहर लगाई। आपका एक आरक्षण चल रहा, आप फॉर्म भी भरते हो, वहां पे आप देखते हैं EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है आर्टिकल 15 का 6 आर्टिकल 16 के 6 के तहत, तो वो किसके तहत दिया गया था, तो आपको ये याद रखना उसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। 100वां संविधान संशोधन आपको पता है किसके लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवादित भूमि थी इसे निपटाने के लिए आपका 100वां संविधान था, 101वां आपका GST के लिए था, 102वां आपका OBC के लिए था, 104वां भी OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपका 104वां संविधान संशोधन भी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला आना, किस शहर ने संघाई सहयोग संगठन SCO की फिल्म SCO फिल्म महोत्सव 2023 की मेजबानी की।
अभी देखना संघाई सहयोग संगठन में जो फिल्म महोत्सव आपका हाल ही में आयोजित किया गया, या आपका कहाँ पे किया गया था, मुंबई में, आप फिल्म से संबंधित जो भी चीज़ें होती है वो चीज़ें आपको पता, सब के सब आपके कहाँ पे होती है, मुंबई में ही आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कहता है, विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो जो बाइडेन द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया। अभी देखना विश्व बैंक की जो अध्यक्षता करने के लिए जो बाइडेन द्वारा जो नियुक्त किया गया था अजय बंगा को किया गया था, और अजय बंगा ही अभी करंट अफेयर में लिख देना वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट होंगे वो अभी कौन है अभी वर्तमान टाइम पे, तो यही अर्जित बंगा क्या आपके वर्ल्ड बैंक के क्या है प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना, किस राज्य सरकार ने 24x7 साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की घोषणा की। अभी केरल की राज्य सरकार है, केरल की राज्य सरकार ने, सॉरी कर्नाटक की राज्य सरकार है, कर्नाटक का राज्य सरकार ने कहा कि हम राज्य साइबर सुरक्षा के लिए 24x7 में क्या तत्पर सुरक्षा देगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी जिन लोगों का भी था आपका बिल्कुल सही था। सीधा सीधा पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चैट जीपीटी क्या, जैसा आपका था ना गूगल का क्या था तो आपने बाढ़ मारा था, ऐसे ही एक क्वेश्चन कभी आ गया चैट जीपीटी क्या, बीच में बड़ा चर्चाओं में रहा था आपका चैट जीपीटी, क्योंकि आपका आयोग है तो आयोग आपका साइंस एंड टेक से ज़्यादा पूछता है, खासतौर पर सुपर कंप्यूटर से संबंधित। आजकल तो सुपर कंप्यूटर में आपका AI चल रहा है, आपको पता AI का जनक जॉन मैकार्थी था, उसी AI से देखना, तो चैट जीपीटी आया। चैट जीपीटी क्या है आपका, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा विकसित किया गया एक भाषा मॉडल है आपका, ठीक है, चैट जीपीटी के नाम से, ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा आप सभी लोग का बिल्कुल सही। क्वेश्चन अब अगला आना, क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस संगठन का चयन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संगठनात्मक श्रेणी के लिए हुआ। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इससे पहले उत्तराखंड के लिए मिला था, अभी देखना तो दो के लोगों के लिए मिला, एक तो आपका क्या उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन के लिए, और एक मणिपुर का मिजोरम का एक फायर स्टेशन पड़ता लुंगलेई फायर स्टेशन, इन दोनों को क्या सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। अगर क्वेश्चन चेंज होता आप पे कहता सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार किसे मिला, तो आप याद रखें जापान के पूर्व राष्ट्रपति शिंजो आबे को मिला था 2022 में सुभाष चंद्र, सॉरी 2021 का सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, वो आपका आपदा प्रबंधन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने निर्जन द्वीपों का नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया। अभी चर्चाओं में सबसे ज़्यादा था आपके केंद्र सरकार ने बीच में घोषणा की थी अंडमान निकोबार में कुछ द्वीप समूह ऐसे हैं जिनका नामकरण नहीं हुआ, तो राज्य सरकार ने घोषणा की कि टोटल 21 जो लोगों को परमवीर चक्र मिला इन्हीं 21ों के नाम पे इन क्या द्वीपों का नाम रखा जाएगा। वैसे आएगा परमवीर चक्रों की शुरुआत कब से की गई, तो आप याद रखोगे 26 जनवरी 1950 से इनकी शुरुआत हुई थी, आपका क्या 21 लोगों को मिला, इनमें से दो उत्तराखंड से थे आपके, आपको 1947 में देखा आपने कश्मीर हवाई अड्डे के लिए सोमनाथ शर्मा को मिला था, और 1961-62 में चीन युद्ध के लिए आपका मेजर शैतान सिंह को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, आंध्र प्रदेश द्वारा किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया गया। आंध्र प्रदेश ने देखा तो पहले अमरावती, हैदराबाद, खेलतरा वास्तव में जो अभी उन्होंने अपनी नई राजधानी घोषित की है, तो आंध्र प्रदेश ने जो नई अपनी राजधानी घोषित की है वो विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी बनाया। जिन लोगों का ने भी ऑप्शन बी आंसर दिया आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन अब अगला आना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा आप पे, इंद्रमणि बडोनी स्मृति उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। अभी इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया, जो किन किन लोगों को मिला, तो आप याद रखोगे आपका एक तो मिला किसे, दिव्या नेगी, जिन्होंने G20 के समूह में उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए यहाँ पे व्याख्यान दिया था, और दूसरा मिला है लक्ष्मी भट्ट को, तो आपका बिल्कुल सही था। अगर निकिता चौहान आएगी तो निकिता चौहान को ग्राम प्रधान है निकिता चौहान आपके जौनसार लाखामंडल क्षेत्र से, इन्हें क्या राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे प्रधानों में क्या पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कविता देवी और निकिता चौहान दो लोगों को मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 सालों में 2018 से 2022 के में सर्वाधिक पलायन किस जिले में हुआ। अभी देखोगे तो आपने जो सर्वाधिक पलायन देखा था ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की जगह पे इन्होंने अल्मोड़ा का, पहले उत्तराखंड पलायन आयोग हुआ करता था, इसका नाम 2021 में बदल के ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग किया गया। पहले मुख्यालय इसका पौड़ी हुआ करता था, 2017 में यह आयोग बना था, अभी मुख्यालय देहरादून में है। इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ पर हो रहा है आपका, अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में आपका सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है। क्वेश्चन अब अगला आना, क्वेश्चन क्या कहता,
राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान द्वारा जारी मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार देश में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा किस जिले में बताया गया? तो आपने देखा अभी हमारी भूस्खलन एटलस आई है, भूस्खलन एटलस में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील जिला माना गया वो आपका कौन सा? रुद्रप्रयाग माना गया। और उत्तराखंड में देखना तो उत्तराखंड में दो जो संवेदनशील जिले हैं रुद्रप्रयाग और टिहरी, पहली रैंक पर रुद्रप्रयाग था, दूसरी रैंक पर आपका कौन सा था? टिहरी था। राष्ट्रीय स्तर पर भी केवल आपका उत्तराखंड से दो ही जिलों का क्या इसमें टॉप 10 में डाला गया था, आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी को। ठीक, क्वेश्चन अगला आना, हाल ही में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट 2023 या आप इसे गुल्लक के नाम से जाने जाते हैं, गुल्लक का आयोजन कहाँ पर था? ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता की सीख देने के लिए आपका एक समिट हुआ था, इसे आप गुल्लक के नाम से जानते हैं। जो गुल्लक आपका हुआ था या आपका हुआ था देहरादून में, ठीक है, 2023 में आपका गुल्लक समिट हुई थी देहरादून में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में रिपोर्ट में 2023 में उत्तराखंड का स्थान पहुंचा। आपको पता है सामाजिक प्रगति सूचकांक में जो उत्तराखंड को रैंक मिला है वो कितना? 14वां मिला। इनोवेशन में आपका सेकंड रैंक मिला था। बहुआयामी गरीबी में उत्तराखंड को 15वीं रैंक मिली थी, इस चीज़ को आप याद रखोगे। भुखमरी सूचकांक 2022 में आपकी 7वीं रैंक थी और 2023 में आपकी 11वीं रैंक पर उत्तराखंड पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रदेश में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपको पता है आपने खूब स्टेटस डाले थे जब आपका गणतंत्र दिवस की झांकी आई थी, उसमें हमारी झांकी गई थी उत्तराखंड की पहली रैंक पर रही थी। झांकी की थीम थी आपकी मानसखंड। मानसखंड मतलब कुमाऊं वाला क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र से आपने देखा जागेश्वर मंदिर लगा था, साथ साथ आपने छोलिया नृत्य इसमें देखा था, साथ साथ आपने यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कुछ देखे थे, हिरण देखे थे, साथ साथ आपने यहाँ पे वो देखी थी कुमाऊं की अपन कला भी इसमें देखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा, उत्तराखंड की किन महिलाओं को केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया? अभी ये क्वेश्चन आया था, पुलिस में आ गया आपका। आपने देखना स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 से आपकी कविता देवी बागेश्वर की प्रधान है और निकिता चौहान आपकी देहरादून से ग्राम प्रधान है, तो दोनों को क्या आपका सुजल शक्ति सम्मान मिला था? जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी मारा आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। ठीक, फटक से देखना, 100 नंबर है तो थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, कम थोड़ा जल्दी जल्दी में देखेंगे। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस की सफल टेस्टिंग के लिए किस IIT संस्थान में की गई थी? आपको देखना भारत पहले OS दूसरों का यूज करता था, अब भारत ने कहा पहला अपना OS बनाएंगे, भारत के नाम पर काम भार OS रखा जाएगा, और भार जो OS बनाया गया ये किसके लिए? IIT मद्रास ने बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने इस बच्चों को सम्मानित किया गया? अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से जो टोटल बच्चों को सम्मानित किया गया है, या आप याद रखोगे टोटल 11 लोग इसमें क्या थे, शामिल किए गए थे, 11 लोग वही इसमें क्या शामिल किया गया। फटक से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप पे, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? आपके पटवारी में भी आया था, मुख्य अतिथि आपके कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी आपके क्या थे? गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। इसी में उत्तराखंड की झांकी को आपका क्या मिला था? पहला रैंक मिला था। ये चीज तो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, राष्ट्रपति भवन पर स्थित मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रखा गया? अभी हाल ही में आपने देखा मुगल गार्डन हुआ करता था राष्ट्रपति भवन में, अब उसका नाम चेंज करके रख दिया गया, उसे अब क्या अमृत उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। जिसने भी ऑप्शन बी मारा आप सभी लोगों का ऑप्शन बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना, भारत में विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास के नाम से शुरू की गई थी, यह क्रूज सेवा किन दो राज्यों के बीच चली थी? बड़े चर्चाओं में रहा था क्योंकि आपका सबसे महंगा क्रूज था आपके वाराणसी थे, आपका ब्रह्मपुत्र नदी तक जाना था, इसने कह रहे थे कि भारत में क्या आप जल सेवा शुरू करेंगे, क्रूज सेवा शुरू करेंगे, तो देखना आपका कहाँ से, वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश पड़ता, उत्तर प्रदेश से आपकी असम तक की योजना थी, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होना था, MV गंगा विलास के नाम से इसे जाना था। बीच में डूब गया था, फंस गया था, इसलिए चर्चाओं में सबसे ज़्यादा था आपका। जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी मारा है आपका बिल्कुल सही था ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आप पे क्या आ रहा है, हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में निम्नलिखित में से किस देश ने बेल्जियम को पराजित किया था? आपका खेल से एक क्वेश्चन आता जाता है, जहाँ तक आपके याद आएगा कहीं आपका IPL ना आ जाए चेन्नई ने जीता है, क्योंकि उसका फेवरेट जो खेल होता है वो क्रिकेट होता है।
ठीक है, तो देखना जो आपका हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप में जो जीती थी वो टीम जीती है इस बार जर्मनी। जर्मनी ने इस बार जो हराया है, क्या कहते हैं, बेल्जियम को जर्मनी हरा के फाइनल का खिताब जीता। भारत इसमें टॉप 8 में नहीं आ पाया था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ICC वुमेन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द क्रिकेट ईयर ऑफ द चुना गया। आपका जो ICC जो कि वुमेन प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर के रूप में अभी आई है, ये हिमाचल प्रदेश की एक फास्ट आर्म बॉलर है, स्विंग बॉलर है, रेणुका सिंह इनका नाम है। तो इन्हें क्या मिला, ICC वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होगा। ब्रिक्स भारत, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया और किसका, चाइना का। आपका एक संघ है ब्रिक्स, ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, लास्ट में साउथ अफ्रीका एस। ठीक है, तो ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन होने जा रहा है, नाम वही चलता है, पिछली बार आपको पता है ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन इससे पहले कहाँ, चाइना में हुआ था। अभी जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पे आपका, तो साउथ अफ्रीका में आपका अभी सम्मेलन होना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला आना, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल 2023 का खिताब जीता। आपको पता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो सिंगल का खिताब जीता था अभी हाल ही में, वो जीता आपका नवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी जिन लोगों का भी है आपका बिल्कुल सही है। सीधा सीधा बढ़िएगा, ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किस तारीख को संसद के सत्र में 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। अब आपको पता है जो बजट आपका प्रस्तुत होता है वो कितने तारीख को, 1 फरवरी को आपका बजट प्रस्तुत होता है, इसीलिए आपका 1 फरवरी आपका क्या था, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, क्वेश्चन अब अगला आना, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच कहां पे आयोजित किया गया था। आपका जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस था ये भारत के जहां पे आपकी स्वच्छता रेटिंग में इंदौर ने टॉप किया था, इसी इंदौर में आपका क्या राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया गया था। जिन लोगों ने भी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था, जिन लोगों ने भी ए मारा बिल्कुल सही, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस महात्मा गांधी के भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 9 तारीख को आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है, और इस बार कहां पे मना था आपका, इंदौर में आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन अब अगला आना, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना। अभी देखना, देश का जो पहला हाई कोर्ट बना है जिसे क्षेत्रीय भाषा में आपका क्या निर्णय दिया है, वो कोर्ट है आपका केरला कोर्ट। ठीक है, केरला कोर्ट। ठीक है, पहली पेपरलेस विधानसभा आपकी बनी है नागालैंड, पहली पेपरलेस कोर्ट भी आपको दे केरल था, पहला पेपरलेस बजट किसने पारित किया था, वो क्या था आपका यूपी ने। इन चीज़ों को भी आप इसी में कनेक्ट करोगे। क्वेश्चन अब अगला आना, वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या चेंज होगी, क्योंकि पहले 8 हुआ करती थी, 8 में से 3 हटा दी गई, 3 में फिर एक और आम आदमी पार्टी को इस बार क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, 8 में से 3 गए तो 5, और 5 में एक नई पार्टी जुड़ी है तो कौन सी, छठवीं। सबसे नई कौन सी जुड़ी है, तो आप याद रखोगे आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 6वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, इससे पहले NNP को दिया गया। क्वेश्चन अगला आना, नाटो का 31वां सदस्य कौन बना। नाटो 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, अभी आपने देखा तो बड़ा चर्चाओं में है नाटो, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर आपकी चल रही, और जो नाटो का अभी हाल ही में देखना तो रशिया के बॉर्डर पे एक सीमा पड़ती है फिनलैंड के साथ, यही फिनलैंड क्या बन गया, अभी नाटो का एक सदस्य बन गया, जो कि 31वां सदस्य आपका हो गया। क्वेश्चन अगला आना, 3 गज उत्सव 2023 कहाँ पे मनाया गया था। अभी हाल ही में एक उत्सव मनाया गया 3 गज उत्सव के नाम से, जो आपका कहाँ पे हुआ, असम में आयोजित किया गया था। ठीक, बढ़ेगा, सीधा सीधा क्या कह रहा है आप पे, सैली सिंह किस खेल से संबंधित है। अभी देखना, हाल ही में जो सैली सिंह स्वर्ण पदक विजेता आपके, जो खेल था इनका लंबी कूद से थे। ठीक है, तीरंदाजी से देखना तो आपके एक दीपिका कुमारी आती, दीपिका कुमारी किससे आपके तीरंदाज से बीच में नंबर वन वर्ल्ड की तीरंदाज हो रही है। कुश्ती से देखना तो आप कुश्ती से आजकल बजरंग पुनिया लोग आपके भारत के पहलवान सारे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक धरने पे बैठे हैं, ये लोग आपके अंशु मलिक ये आपके क्या कुश्ती से जुड़े हैं। अगर भाला फेंक से देखना तो एक ही तो नाम आता भाला फेंक में, जिनके नाम आपके भाला फेंक दिवस जैवलिन थ्रो डे लिखा है 7 अगस्त को, वो है आपके नीरज चोपड़ा। ठीक है, डायमंड लीग 2023 में जो गोल्ड मेडल जीता है वो इन्होंने जीता था, 2022 में भी डायमंड लीग किसने जीती थी, नीरज चोपड़ा ही नहीं आपकी डायमंड लीग जीती थी। क्वेश्चन अगला आना,
ओरियन युद्ध का, ओरियन युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अभी हाल ही में ओरियन युद्ध अभ्यास हुआ है। जो युद्ध अभ्यास हुआ ओरियन, वो है भारत और फ्रांस के मध्य, भारत और जापान के बीच। देखना, एक तो वीर गॉर्जियन हुआ था, ठीक है, याद रखोगे, वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन भी किन दोनों के मध्य होता है? इन्हीं दोनों के मध्य होता है, वीर गार्जियन या धर्म। भारत नेपाल के मध्य संप्रीति होता है, ठीक, भारत और कोरिया के बीच तो कभी सुना नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वर्ष 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? अभी जो वर्ष 2023 में जो पद्म पुरस्कार मिलने की बात की गई, टोटल 106 क्या मिले आपके पद्म पुरस्कार मिले? सीधा सीधे बढ़िएगा, बेसिक सा था, कहता है पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन सा बना? अभी भारत का हाल ही में पहला पूर्णतः बैंकिंग वाला जो डिजिटल राज्य बना है, आपको पता है डिजिटली जो आपका सबसे आगे जो राज्य रहता है वो एक ही रहता है, वो आपका केरला आपका, ठीक था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नहीं है? अभी देखना, अपना यूरोपीय संघ ईयू के जो अभी हाल ही में जो 6 माह के लिए जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये किसे? स्वीडन देश को आपका इसका सदस्य अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीधा सीधा देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अभी हाल ही में घोषित हुआ है, जो राष्ट्रीय आपका पर्यटन दिवस मनाया जाता है ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, पृथ्वी 2 मिसाइल कैसी है? पृथ्वी 2 आपको पता है सरफेस टू सरफेस, मतलब आपको क्या सतह से सतह में मार करने वाली जो मिसाइल आपकी वो कैसी है? पृथ्वी 2 के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में देखा तो इस पर बड़ी चर्चाओं पर राजनीति रही थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में जैव विविधता विरासत घोषित यात्सो झील कहाँ पे? अभी जैव विविधता की विरासत में एक झील घोषित की गई है, ये यात्सो झील। जो यात्सो ये झील है ये आपकी देखना, ये यात्सो हेमिस मठ पड़ता है लद्दाख में, उसी के पास में आपकी एक झील पड़ती है ये यात्सो झील, जिसे क्या आपका जैव विविधता के हिसाब से संरक्षित किया गया अभी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, कहता भारत में हाल ही में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं, ये किस? भारत में लिथियम दो जगह खोजा गया, राजस्थान और लद्दाख में, और जो विशाल भंडार लिथियम के खोजे गए हैं वो कहाँ पे मिले हैं? इसी लद्दाख वाली रेंज में आपके लिथियम के सबसे बड़े भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आना, G20 कल्चर ग्रुप वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक भारत में कहाँ पे आयोजित की गई थी? G20 के जो कल्चर वर्किंग की जो पहली बैठक हुई थी ये खजुराहो में, MP में एक जगह पड़ती है खजुराहो, वहीं पे आप गए थे, वहीं खजुराहो जो जिस जहाँ का मंदिर किसने चंदेलों ने बनाया था, खजुराहो का मंदिर, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे G20 में भारत की G20 में पहली बैठक आपके पांडुचेरी में हुई थी, उत्तराखंड में G20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई तो आप याद रखोगे कि रामनगर में, दूसरी आपकी मुनी की रेती ओणीगांव में हुई थी, सॉरी नरेंद्रनगर ओणीगांव में, तीसरा आपका ऋषिकेश मुनी की रेती में हुआ, ठीक। क्वेश्चन अब अगला आना, भारत सरकार ने वर्ष 2023 हेतु 23-24 हेतु कितना बजट पास किया? अभी आपके वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने 2023-24 का बजट जारी कर दिया। अभी जो बजट मिला भारत सरकार का 23-24 में आपका कितना बजट? 45 लाख करोड़ का बजट आपका क्या होगा? इसके साथ साथ उत्तराखंड का आपने देखा पिछली बार 65 का था, इस बार 77 हजार करोड़ के आसपास आपके उत्तराखंड का बजट है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? अभी हाल ही में देखना स्वास्थ्य आपके स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पास कर दिया गया और पहला राज्य राजस्थान की कांग्रेस सरकार मतलब गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्या कहता हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? अभी देखना भारत चुनावी लोकतंत्र सूचकांक आए जिसमें भारत को एक निम्नतम तबके में दिखाया गया 108वीं रैंक, 107वीं आपको पता है भुखमरी में थी, 85वीं आपकी किसमें थी? भ्रष्टाचार में थी, 132वीं आपकी किसमें थी? आपका SDI में थी। वैसे आपका देखना तो आपका जो पत्रकारिता में थी पहले 150वीं हुआ करती थी, इस बार 2023 में जो पत्रकारिता में आपको रैंक मिली है, ठीक है, विश्व में वो 161वीं रैंक मिली है, 11 रैंक नीचे चले गया भारत। क्वेश्चन नंबर अगला आना, तंथे पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? आपको पेरियार लग गया तो पेरियार आपका कहाँ का साउथ का नाम है, और तंथे पेरियार जो वन्य जीव अभयारण्य है आपका वो आपका नमलाई के पास तमिलनाडु के में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सरस्वती सम्मान 2022 का प्रदान किया गया था, सरस्वती सम्मान 2022 से आपको पता किसे? शिव शंकरी
किसे सम्मानित किया गया था? शिव शंकरी को किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। सीधा सीधा पढ़ेगा, बेसिक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? थोड़ा फटक से बताएगा, विश्व में जो बाजरा सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? तो आप लोग याद रखोगे, विश्व बाजरा सम्मेलन 2023 आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। पढ़ा पढ़ा के थक गया रे इस बार। देखो तब कितने लोग इस बार अच्छा स्कोर मारते हैं। हालत खराब कर रखी तुमने ऑफलाइन से ऑनलाइन में मेरी, आजकल पढ़ाई सब छूट सी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला ना, कैच द रन पुरस्कार श्रृंखला की शुरुआत किसने की थी? अभी आपका एक चल रहा है कैच द रन प्रोग्राम, और कैच द रन प्रोग्राम जो भारत में शुरू किया है, ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला ना, रेशम उत्पादक बीमा योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? अभी आप पे करंट अफेयर आएगा, यूके त्रिपाठी का रोल रहा है, 1 से 20 तक हिंदी डालता है, 20 से 60 तक आपका उत्तराखंड डाल रहा है। कभी भी आपको 20 से 60 के बीच कभी करंट अफेयर में क्वेश्चन आ रहा ना कोई, तो उसका आंसर हमेशा याद रखना उत्तराखंड ही होगा। वैसे क्वेश्चन दिख गया जैसे इस टाइप से आता, हाल ही में रेशम उत्पादक बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा, ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। और आपका 20 से 60 के बीच आता तो मैं तो आंख बंद करके मारता कि उत्तराखंड ही की करंट है, तो पहला राज्य कौन बना होगा? उत्तराखंड ही बना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला ना, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजित कहाँ पे हुआ था? अभी देखना, हाल ही में 108वीं विज्ञान कांग्रेस हुई थी, जो कहाँ पे आपके नागपुर में हुई थी। पहले पुणे में होनी थी, बाद में ट्रांसफर के नागपुर में होती। इसके साथ साथ G20 सम्मेलन हो रहा भारत में, इसके साथ साथ आपने देखा राष्ट्रीय ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस आपके कहाँ पे? देहरादून में हुई थी, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर अगला ना, उत्तराखंड के किस शहर में मई माह में G20 सम्मेलन की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी? उत्तराखंड में आपकी केवल 3 ही जगह बैठक हुई, एक आपका रामनगर में हुई थी पहली बैठक, जो किस पे हुई थी आपकी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हुई थी। दूसरी आपकी नरेंद्र नगर पे हुई थी, भ्रष्टाचार। नरेंद्र नगर का एक गाँव पड़ता ओणी गाँव, वहीं पर आप क्या एंटी करप्शन यानी भ्रष्टाचार पे थी। और तीसरी आपकी ऋषिकेश में हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपकी बात होगी उसी ऋषिकेश में। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी आपके कहता बिल्कुल सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, 2021-2020 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाल लिंगानुपात कितना? अभी उत्तराखंड सरकार ने एक डाटा निकाला है, पहले तो आपका 916 हुआ करता था शिशु लिंगानुपात, लेकिन डाटा में अभी एग्जैक्ट बढ़ोतरी हुई, कहा कि अभी 984 आपका क्या लिंगानुपात पहुंच गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला ना, हाल ही में किन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया? अभी देखना, तो हाल ही में जो हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से नवाजा गया, यह आपका विजय जरदारी, 12 नाजा इनकी पुस्तक मिलती है, इन्हें क्या आपका हिमालय प्रहरी अवार्ड मिला था। सीधा सीधा पढ़िए, 5 जून को उत्तराखंड के किन गांवों को स्वच्छता तथा हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अभी उत्तराखंड के दो गांव पड़ते हैं, टिहरी जनपद के दो गांव हैं, जड़दार गांव और चोपड़िया गांव, इन दोनों को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से उत्तराखंड के 6 नगर निगमों को भी क्या किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला ना, हाल ही में भारत और निम्न में से कौन से देश के बीच द्विपक्षीय समुद्र शक्ति 2023 का अभ्यास हुआ था? समुद्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो आप याद रखोगे, समुद्र शक्ति आपका किसके बीच होता है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। बांग्लादेश के प्रति आपको पता है संप्रीति होता, श्रीलंका के प्रति आपका क्या होता है? सिनलैक्स होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूलिंग यानी स्मार्ट ब्लॉक बोर्ड ब्लैक कार्यक्रम के अंतर्गत किस जनपद में समस्त विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में परिवर्तित करने की घोषणा? अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है चंपावत, और उसी चंपावत के में क्या स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक आपका योजना चल रही है। इसी चंपावत में आपने देखा जो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनेंगे, चंपावत में क्या है कि अभी आपने ये वाला कांड देखा था आपने, क्या अंकिता भंडारी वाला कांड,
राजस्व पुलिस व्यवस्था पे बात आई थी, कहा थी राजस्व पुलिस व्यवस्था से आपकी सारी पावर छीनी जाएगी पुलिस वाली, और वो पुलिस की पावर छीन कर पुलिस को दी जाएगी। कभी आएगा राजस्व पुलिस व्यवस्था से राजस्व पुलिस को नागरिक पुलिस व्यवस्था में हस्तांतरित करने वाला पहला पर्यटन जिला कौन सा बना भारत का, तो आप याद रखोगे वहाँ पे जिला भी वो कौन सा आपका चंपावती पहला जिला है, जिसने क्या आपकी राजस्व पुलिस से पुलिस की पावर सारी किस में नागरिक पुलिस को क्या कर दी है, हस्तांतरित कर दी है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में प्राकृतिक कृषि बैंकों की स्थापना की गई। अभी उत्तराखंड में देखना तो हाल ही में आपको क्या 10 ऐसे जनपद हैं जिनमें आपकी क्या करेंगे राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत प्राकृतिक कृषि बैंकों की यहाँ पे क्या की जा रही स्थापना की जा रही। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन अगला आना, उत्तराखंड का पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा। आपने बड़ा सुना है उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती किच्छा, वीडियो वालों का कहीं का सेंटर है यहाँ पे किच्छा, बड़े परेशान है देहरादून से किच्छा की ले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी किच्छा में आपका एम्स का क्या बनाया है सेंटर बनाया है, इस एम्स सैटेलाइट सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में उत्तराखंड के किन उत्पादों को GI टैग के लिए नामित किया गया। अभी देखना मिला नहीं है, केवल नामित हुए हैं, ये नामित हुए आपके अल्मोड़ा की बाल मिठाई और दूसरा आपका हुआ आड़ू, दोनों को आपको क्या GI टैग के लिए प्रस्तावित किया गया या नामित किया गया। इसके साथ आज GI टैग मिला था, ये किसे मिला था तो आप याद रखोगे अल्मोड़ा की ताम्रकला, कुमाऊँ की ऐपण कला, भोटिया दन, थुलमा तेजपत्ता, साथ साथ और किसे मिला था कुमाऊँ का चूरा तेल को भी क्या आपका GI टैग मिला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में बैसाख माह में रमाण उत्सव का आयोजन किया गया था जो किस जनपद में होता। आपको पता है रमाण उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, रामायण की प्रक्रिया पे आपका आधारित होता, मुखौटे में इसमें नृत्य किया जाता, जो ये नृत्य होता हमारा चमोली जनपद में मनाया जाता, हर माह बैसाख में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वर्तमान 2023 में उत्तराखंड में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन है। आपका सबसे ज़्यादा तो हरिद्वार में प्रति व्यक्ति आय, लेकिन सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो कहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही था। बढ़िया का क्वेश्चन अगला क्या कह रहा आप पे, राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन के लिए कौन सा आयोग खोला। कीड़ा जड़ी यारसा गंबू आपके उच्च हिमालयी क्षेत्र में आपका होता है, उसके लिए आपका कीड़ा जड़ी संकलन के लिए एक केंद्र खोला जा रहा है जो कहाँ पे खुलेगा आपका चमोली में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वर्तमान 2023 में उत्तराखंड के अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड में न्यूनतम प्रति व्यक्ति, ये तो रिपीट हो गया आपको पता है कहाँ पे रुद्रप्रयाग, सीधा सीधा बढ़ेगा। हाल ही में फ्रूट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ, आपका फ्रूट कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन हुआ था फ्रूट कॉन्क्लेव आपके कहाँ पे हुई थी, तो सीधा सीधा याद रखोगे आपका फ्रूट कॉन्क्लेव जहाँ पे आपकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है ये हुई थी आपका हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर अगला आना, सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। सावित्रीबाई फूले प्रशंसा जो अवार्ड मिला था ये मिला था आपका शशि कला पांडे या शशिकांत पांडे के नाम से इन्हें जाना जाता है, शशि पांडे को आपका क्या सावित्रीबाई फूले प्रशंसा अवार्ड 2023 मिला था। सीधा सीधा देखेगा, थोड़ा धर्मपुर जाना मेरे को, थोड़ा लेट होगी, थोड़ा जल्दी देखूंगा। देवभूमि उत्तराखंड में ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए की दिशा में किस वर्ष तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाए जाने की घोषणा। आजकल आपने देखा आपके जो भी भाई बंधु पुलिस में गए हैं तो आपका ड्रग्स फ्री का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आपको उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री रखने का लक्ष्य रखा गया और जो लक्ष्य रखा गया वो 2025 तक रखा गया। सीधा सीधा देखिएगा, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन कहाँ पर हुआ। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन उत्तराखंड में हाल ही में आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, यह सम्मेलन आपका कहाँ पर हुआ है, तो आप याद रखोगे आपका अंतर्राष्ट्रीय आपका आपदा न्यूनीकरण केंद्र उत्तराखंड का देहरादून में, वहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ आपदा सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, वर्ष 2021-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। अभी देखना वर्ष 21-22 के लिए आपके खेल रत्नों के पुरस्कार हो गए, दो तीन साल बाद आपके खेल रत्न पुरस्कार मिले। 2020-21 का जो मिला है वो चंदन सिंह को मिला, 2019-20 का किसे मिला तो 19-20 का आपका लक्ष्य सेन को मिला था, इसी वर्ष द्रोणाचार्य इनके पापा धीरेन्द्र सेन को मिला था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क भारत में देखा, पहला आर्किड मतलब फूलों का पार्क कहाँ पे खुला, तो आप याद रखो भारत का आर्किड पार्क मंडल के पास खुला कहाँ पे चमोली में, ठीक है। मॉस गार्डन खुला था आपका कहाँ पे
नैनीताल में, ठीक है, इसके साथ कवक पार्क खुला था आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में अल्मोड़ा जिले के शेखर जोशी जिनका निधन हो गया, किससे थे? शेखर जोशी आपको पता है हिंदी के एक प्रख्यात से क्या थे, साहित्यकार थे, दाजू, गलता लोहा, कोसी के घटवार, इनकी क्या आपको बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं मिलती। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर अगला आना, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? नवाचार इनोवेशन में जो भारत उत्तराखंड में पहाड़ी राज्यों में जो रैंक मिली थी वो कौन सी थी? आपकी दूसरी रैंक थी। वैसे देखूं तो ओवरऑल जो रैंक मिली थी वो सातवीं रैंक मिली थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत बाल वाटिका योजना, मतलब 12 जुलाई 2022 से आपकी बाल वाटिका योजना चली है, मैं बच्चों को कितनी वर्ष की आयु की से फॉर्मल एजुकेशन में जोड़ा गया? आपके जो बच्चे फॉर्मल एजुकेशन में आएंगे बाल वाटिका योजना के अंतर्गत वो 3 वर्ष से आएंगे। आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्ट्रक्चर है वो आपका 5+3+3+4 का, आप ये स्ट्रक्चर याद रखोगे। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है आपका के कस्तूरी रंगन की समिति में, जो समिति बनी थी उसकी सिफारिश पर आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्वेश्चन अगला आना, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? आपको पता है आपका देहरादून दिलों का शहर के नाम से जाना जाता है, इसी शहर में आपको क्या सबसे स्वच्छ शहर की क्या दर्जा मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, मेक इन इंडिया के तहत उत्तराखंड में पहली ड्रोन फैक्ट्री कहां पे स्थापित की गई? बड़ी चर्चाओं में ये क्वेश्चन भी रहा था, मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा पूरे भारत में 2015 से, और उसी के तहत उत्तराखंड में एक ड्रोन फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है। जो ड्रोन फैक्ट्री स्थापित होगी आपकी वो रुड़की में होगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। सीधा सीधा पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रेटिंग में उत्तराखंड के प्रथम और अंतिम स्थान पर कौन सा? सतत रैंकिंग जो हुई थी 157 चीज़ों पर आपका सतत रैंकिंग जारी किया था, ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जो टॉप जिला था वो आपका नैनीताल था, और जो लोएस्ट जिला था आपका नैनीताली का पड़ोसी चंपावत थे। हाइस्ट रैंक आपका नैनीताल को और लोएस्ट रैंक आपको किसको? चंपावत को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में खिलाड़ियों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति दिया जाए? मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना 8 से 14 वर्षों के लिए थी, 29 अगस्त 2022 से आपकी योजना चली है। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह कितना? 1500 रुपये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, उत्तराखंड में एकीकृत कृषि आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई थी? या आपके जौली ग्रांट के पास एक ग्रांट माजरी ग्रांट के नाम से एक गांव पड़ता है, इस गांव से शुरू हुई थी 21 अक्टूबर 2020 को आपको क्या उत्तराखंड एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला आना, देश का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में किस जनपद में विकसित किया गया? अभी देखना आपका जो मॉस गार्डन है उत्तराखंड में, जो देश का पहला मॉस गार्डन है ये नैनीताल में बना, खुरपा ताल के करीब आपका मॉस गार्डन बना, देहरादून चक्राता में आपका क्रिप्टोगमी गार्डन बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में NIRF द्वारा जारी विश्वविद्यालय कैटेगरी में 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे मिला है? 2023 के जो NRF के थे इसमें आपका IISc बेंगलुरु को सबसे मिला है, जबकि IIT में किसे मिला था? मद्रास IIT को आपका सबसे बड़ा क्या IIT का दर्जा मिला था, ठीक है, रैंक वन मिली थी। क्वेश्चन नंबर अगला ना, निम्न में से कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? अभी क्रूड स्टील का जो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है हाल ही में किसे घोषित किया गया? ये भारत को घोषित किया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा देखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? अभी देखना, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रति दिवस किस दिन को मनाएंगे? तो आप 7 जून को मनाएंगे। उपभोक्ता आएगा तो 15 मार्च को आएगा, भारतीय उपभोक्ता दिवस आएगा तो आप पता उपभोक्ता संरक्षण एक्ट आया था आपका 24 दिसंबर 1986, इसी कारण 24 दिसंबर को आप क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, हाल ही में भारत में निम्न में से किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सुरक्षा? आपका पता है उड़ीसा का एक क्षेत्र पड़ता है बालासोरी में आपका क्या हुआ था? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल ट्रायल हुआ था, ठीक। सीधा सीधा बढ़ेगा, हाल ही में कहां ONGC ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र की शिलान्यास किया? अभी आपदा आपको पता पर्वतीय क्षेत्रों में आ सकती है, और पर्वतीय क्षेत्र में जो ONGC ने अपना आपदा न्यूनीकरण केंद्र खोला है वो जम्मू में खोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आना, आज का अंतिम क्वेश्चन है,
हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात या तूफान साइक्लोन मोचा, आपने कहा ना एक चक्रवात आ रहा, मोचा चक्रवात आ रहा, बड़ा चर्चाओं में मोचा था, ये मोचा नाम किस देश ने दिया था? तो ये मोचा नाम जो दिया था आपका कहाँ पे, यमन ने दिया था। आया कहाँ पे था? बंगाल की खाड़ी में आया था। तो ये था दोस्तों आपका 100 नंबर का करंट का, मैंने बात की थी करंट का, ठीक है। उम्मीद रहेगी आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप एक दिन बड़े उभर के आओगे। जिस तरीके से मैंने पटवारी में देखे हैं कई लोग जो संघर्ष कर रहे थे कई टाइम से, तो उनका बड़ा अच्छा स्कोर आया, जिनकी कंटिन्यूटी थी बढ़िया। आप में से कई लोग कंटिन्यू बने हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस बार वीडियो में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिठाई खिलाने आएंगे कोचिंग में। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेगी वीडियो के बाद ही आप लोगों से मिल सकूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से मारिएगा। ये दो जो घंटे होते हैं अपना माइंड थोड़ा स्टिल रखेगा आपके, इस दो घंटे में आपने कर दिया पेपर तो बहुत ऊपर जाओगे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है उत्तराखंड में, वीडियो बहुत अच्छी नौकरी है, अच्छे से करिएगा। शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं वीडियो बनने की। धन्यवाद, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी।